वेलकम टू अवर चैनल स्टडी स्क्वायर। आज जो है हम लोग अपनी एनसीईआरटी की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कौन सा चैप्टर टू की बात करेंगे, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। अब ये चैप्टर हम लोग का कहां शुरू होता है, लास्ट चैप्टर हरप्पन सिविलाइजेशन हम लोग का खत्म हुआ था 1700 BC में, जब सिविलाइजेशन का जो है एंड हुआ था। उसके बाद जब हम लोग पीछे पढ़ेंगे ये टाउन बात करता है, ये चैप्टर हम लोग की बात कर रहा है कहां 600 BC से 600 AD तक, ये 1200 ईयर्स की है जो है यहाँ पर बात हो रहा है। इन 1200 ईयर्स में इंडिया में क्या होता है, कौन कौन से किंगडम्स आते हैं, महाजनपद, उसके बाद मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ठीक, चोल, चेर, पांड्य, इन सब पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ये होता है 1700 में, यहाँ पर क्या होता है हरप्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, हरप्पन जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। उसके बाद 1700 के बाद से फिर क्या आता है 1500 से 1000 तक, ये जो है ये क्या है अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड, और फिर 1000 से कहां तक 600 तक ये आता है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जो है हम लोग का कौन सा एक वेद कंपोज हुआ था, ऋग्वेदा, ऋग्वेदा जो है हम लोग का यहां पर कंपोज हुआ था। और लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग के कौन कौन से वेदास कंपोज हुए थे, यहां पर सामवेद, सामवेदा, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है यहां पर हम लोगों के इस्टैब्लिश हुए थे यहां 1000 से 600 BC में, ठीक है। उसके बाद 600 BC से आगे फिर जो है क्या होता है ये हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। एक ये जो है आपका ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन हो गया कहां पे हम लोगों ने पिछला खत्म किया था और कहां से हम लोग को आगे कनेक्ट करना है। लेटर वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड जो है आप लोगों में फिलहाल अभी चैप्टर क्लास 12th में नहीं है। आगे हम लोग पहुंचते हैं अपने चैप्टर किंग्स फार्म्स एंड टाउन 600 BC से 600 AD तक। तो स्टोरी शुरू होती है कहां से 1830 से। 1830 में क्या है, जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनको क्या मिलता है इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये ऑफिसर थे, इन्होंने क्या करा ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को जो है डेसिफर किया, डिकोड किया, एंड अर्लियर इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड अ किंग, इसमें जो है इनके एक किंग के बारे में पता चलता है जिसका क्या मेंशन था उसमें इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ था प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या इसी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जो है इसका मीनिंग हिंदी में आता है, इनको जो मिला था तो इसमें लिखा था प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, ठीक है, विच मीन्स प्लीजेंट टू बीहोल्ड, जो अपने साथ वालों को अपने बीहोल्ड्स को जो है बहुत ज्यादा प्यारा हो, ठीक है। एक किंग के बारे में इनको पता चलता है किससे, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को जो है इन्होंने स्क्रिप्ट को डिकोड किया था, डेसिफर किया था, यहां से इनको पता चलता है प्रियदर्शी प्रेजेंट टू बी बीहोल्ड। इन सम इंस्क्रिप्शन दिस किंग वाज रेफर्ड एज अशोका। फिर जब आगे और इंस्क्रिप्शन जो है लोग फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, नए नए इंस्क्रिप्शन और इनको पता चलते हैं, तो उनसे क्या पता चलता है कि इन किंग का जो है किंग प्रियदर्शी जिनको कहा गया है, इस किंग का नाम क्या है अशोका, अशोका इस किंग का नाम है जिसको प्रियदर्शी डिसिफर किया गया है इन जो है इंस्क्रिप्शंस में। उसके बाद स्कॉलर्स सब्सिक्वेंटली शिफ्ट देयर फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। यहां पर जब एक नए एम्पायर के बारे में पता चलता है, नए किंग के बारे में पता चलता है जो इतना वास्ट था, इतना था, बड़ा था, तो अब इसके लिए ये लोग कहां पर आते हैं इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर, की पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी पूरी लाइफ, डायनेस्टी सब कैसी रही थी, क्या क्या चीजें थी, कैसे लोग थे, क्या क्या करते थे, ये सारी चीजें जो है इस पे कॉन्टेक्स्ट इनका शिफ्ट होता है मेनली ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। आप जो है यहां से स्टार्ट होता है अर्लीस्ट स्टेट्स, जो ये 600 BC यहां से स्टार्ट हुआ है, यहीं पर जो है नए नए स्टेट्स बनना स्टार्ट होते हैं, नए नए किंगडम्स, नए नए एम्पायर्स, डायनेस्टीज जो है बिल्ड होना स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले कौन से हम लोग को 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। महाजनपद का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो जन मीन्स होता है, जन मीन्स लोक, और पद मीन्स क्या होता है पैर के निशान, ठीक है, तो जहां पर भी लोगों के पैरों के निशान पड़े वो क्या हो गया जनपद। और जो ये बहुत ज्यादा साइज में जब बड़े हो गए, बहुत ज्यादा और लार्ज होते चले गए, तो यही जनपद क्या हो गए महाजनपद। ऐसे ही 16 महाजनपद जो है हम लोगों को फाइंड होते हैं कहां पर, इंडिया में एट द टाइम ऑफ 6th सेंचुरी BC,
ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। 6th सेंचुरी बीसी ऑफन रिगार्डेड एज द मेकिंग टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री, सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट रहा है इंडियन हिस्ट्री का। हम लोगों ने देखा था लास्ट चैप्टर में भी, कनिंगम का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या था कि वो इसी टाइम पीरियड में सारी चीजों को रखने की सोच रहे थे। यही जो है सबसे पहले हम लोगों को पता चलता है गंगेश वैली के पास के जो ये सिटीज वगैरह और ये महाजनपद डेवलप होते हैं। मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री आल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ सेवरल डाइवर्स थॉट जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म सब इसी टाइम पर फ्लरिश हुए थे और ज्यादा फोकस में आए थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही। अर्ली ऑफ दीस टेक्स्ट मेंशन 16 महाजनपद और इन्हीं जो है रिलीजियस टेक्स्ट या इनके अलग अलग टेस्ट जो थे टेक्स्ट थे उनसे हम लोगों को पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में, जिसमें से कुछ नेमली थे क्या वज्जी, मगध, कोसला, इटीजी, कोसला ये जो है मेन नेम्स थे उसमें से, मगध, वज्जी, कोसला ऐसे ही 16 जो है महाजनपद थे। इंद्रप्रस्थ हो गया, उज्जैनी हो गया, पांचाल हो गया, बहुत सारे जो है 16 महाजनपद थे। किससे हम लोग को पता चलता है जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट से। फिर व्हाइल मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग, अब क्या था अलग अलग महाजनपद थे सब में रूलिंग अथॉरिटी चेंज थी अलग अलग थी, बहुत सारे क्या थे किंग के द्वारा जो है रूल किए जाते थे, सम नोन एज संग और गण, संग और गण जो है उनको बोला जाता था एंड वर ओलिगार्चीज। ओलिगार्चीज क्या होती है रूल्ड बाय अ क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल जो है इसको रूल करते हैं, क्या होता है ओलिगार्चीज, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है संघ या गण जो है इनको बोला जाता था, ठीक है। फिर बोध महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणा, इनको जो है इन्हीं गण से जो है महावीर और बुद्ध दोनों जो है इन्हीं से गण से बिलोंग करते थे, किंग वाली अथॉरिटी से ये लोग नहीं थे। ईच महाजनपद हैज अ कैपिटल विच वॉज 45, ये सारे अलग अलग पॉइंट है जितने भी फुल स्टॉप के बहुत पॉइंट है, ये सब अलग अलग है, अलग अलग आप लोगों को एक्सप्लेन करने यहां मैंने आपको, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए जो है इनको लाइन से मैंने लिख दिया है। ईच जहां महाजनपद है कैपिटल सिटी विच वॉज 45, हर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती थी जो 45 होती थी, 45 जिसे हम लोगों ने देखा था अपर टाउन और लोअर टाउन 45 होते थे, चारों तरफ वॉल्स इनके लगी होती थी। ब्राह्मण्स बिगन टू कंपोज संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्र, इसी टाइम पर क्या हुआ ब्राह्मण्स ने धर्मसूत्र जो कि संस्कृत टेक्स्ट थे उनको लिखना स्टार्ट किया, फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या क्या था दीज देर रूल्स फॉर किंगडम कि कैसे किंगडम चलेगा, सोशल बैरियर्स क्या होंगे, सोशल ऑर्डर क्या होगा, ये सब कुछ इसमें था। किंगडम्स के लिए किंग्स के लिए रूल्स एंड नॉर्म्स थे, सारी चीजें इसमें थी। हु वर एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय और किंगडम किनसे चलेगा, किंग्स एंड किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय कि किंग्स जो होंगे वो क्षत्रिय होंगे, जो चार वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से क्षत्रिय जो है वही किंग हो सकते हैं, ये इसमें सब था। सम स्टेट मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी अदर्स वर डिपेंडेंट ऑन द मिलिटिया एंड रिक्रूटेड, कुछ जो है अपनी मेंटेन करती थी स्टैंडिंग आर्मी मतलब परमानेंट उनकी आर्मी रहती थी, चाहे वॉर हो या पीस का टाइम हो अलग अलग टाइम हो उनकी आर्मी जो है स्टैंडिंग हमेशा वहां पर रहती। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा खर्चा होता था, इन लोगों को देखरेख करनी पड़ती थी, इनकी सैलरी देनी पड़ती थी, खाना वगैरह सारी चीजें जो है इनको प्रोवाइड करनी पड़ती थी। कुछ जो है मिलिटिया और रिक्रूटेड में डिपेंड करते थे कि जो है जब हम लोग की वॉर होगी या ऐसी कोई नीड होगी तो हम लोग जो है यहां से सैनिक रिक्रूट कर लेंगे और तुरंत जो है वॉर के टाइम पर कर लेंगे, फिर से जो है वॉर के बाद उनको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की यहाँ पर मिलिट्री बेसिस थे, ये थे महाजनपद 16 इनके बारे में। अब इस महाजनपद में जो सबसे महाइंपॉर्टेंट महाजनपद है वो कौन सा है, वॉज मगध। मगध जो है सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है, क्यों था, अब मगध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, इतना ज्यादा प्रॉस्पेरस क्यों था कि उसको जो है हम लोगों को इतना पढ़ना पड़ रहा है। बाकी सारे महाजनपद धीरे धीरे ओवर द टाइम आते आते खत्म हो गए, एंड हो जाते हैं, लेकिन मगध जो है वो बहुत ज्यादा आगे फ्लरिश करता है। तो क्या ऐसे रीजन थे आइए हम लोग देखते हैं। मगध वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज वेरी प्रोडक्टिव, यहाँ पर क्या था पहले सबसे एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव थी, इसी की वजह से क्या होता था यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता था, सरप्लस होता था तो लोगों के लिए रहता था और अच्छा खासा लोग ट्रेड भी कर सकते थे अदर कंट्रीज से, जिसकी इसकी इकोनॉमी और ज्यादा फ्लरिश करती थी। आयरन माइंस प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स, आयरन माइंस जो है बहुत ज्यादा थी, जैसे भी अभी हम लोग प्रेजेंट डे अगर हम लोग मगध देखते हैं तो ये क्या पड़ता है जो हम लोग का है बिहार पड़ता है, अनडिस्प्यूटेड बिहार था, अनडिवाइडेड बिहार था, झारखंड वगैरह सब इसी में, तो झारखंड में आज भी जो है आयरन माइंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बल्क में वहां से आयरन मिलता है, तो ये सारी तब मगध में ही थी। तो ये इन लोग को यहाँ से रिसोर्स मिल रहा था जिससे ये टूल्स और वेपन्स अच्छी क्वांटिटी के बना रहे थे अपने इन्वेशंस के लिए अलग टेरिटरीज पे, अगर कोई इनके ऊपर अटैक करता था तो आराम से उसको हैंडल कर सकते थे। एलिफेंट्स जो कि उस टाइम आर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी होते थे वो इनके पास अच्छे खासे थे, क्योंकि जंगल एरिया बहुत ज्यादा था इनके पास, तो एलिफेंट्स भी इनके पास अच्छे खासे थे। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड चीफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, गंगा और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज थी चारों तरफ से, गंगा और सोन
रिवर मेनली गंगा और सोन रिवर के बीच में ये पड़ता था, तभी ये इतना ज्यादा जो है फर्टाइल एरिया था, दोनों तरफ से इसमें लैंड थी। ये जो है इसको चीप मींस ऑफ कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करते थे, सबसे फास्टेस्ट और सबसे चीपेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन क्या था इन लोगों के लिए, रिवर, और उसी रिवर से वाटर से रिवर से जो है ये लोग कम्युनिकेशन किया करते थे। और क्या था, रुथलेसली एम्बिशियस किंग, इनके जो किंग्स थे वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे अपने एम्पायर को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपने आइडियाज को लेके, तो ये लोगों ने जो है कॉन्स्टेंटली अपने एम्पायर को क्या किया, एक्सपेंड किया। कौन कौन से इसमें मेनली बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद आर वेल नोन। स्टार्टिंग के जो किंग थे सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु एंड महापद्मनंद, ये जो है वेल नोन किंग्स थे इस टाइम के। राजगह वॉज द इनिशियल कैप्टन, इनिशियल कैप्टन की क्या थी, राजगह, इसी को अगर हम लोग करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, राजगह, हाउस ऑफ किंग, राजा का घर, हाउस ऑफ किंग, राजगृह, ठीक है। एंड लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, अभी शुरुआत में क्या थी राजगृह, और बाद में जो है ओवर द टाइम ये कहां पर शिफ्ट हो जाती है, पाटलिपुत्र। ये अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो प्रेजेंट डे पाटलिपुत्र क्या है, पटना, बिहार की कैपिटल पटना, वही पाटलिपुत्र है। उस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था, बहुत सारी चीजें थी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी यहाँ पे, लेकिन ओवर द टाइम अब हम लोग देख रहे हैं बिहार की क्या कंडीशन है। फिर उसके बाद फाउंडिंग अबाउट मॉडर्न एम्पायर, अब कैसे जो है साइंटिस्ट को या आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला मॉडर्न एम्पायर के बारे में, क्या ऐसी चीजें थी, इंस्क्रिप्शन थे, क्वाइंस थे, क्या क्या ऐसे रिसोर्सेस थे जिनसे हम लोगों को मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता चलता है। सबसे पहले 16 महाजनपद, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन, मगध, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी या एम्पायर कौन सा, मॉडर्न एम्पायर, ठीक है। मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज जो है कौन थे, एक ग्रीक एम्बेसडर थे, किसके किंग उसमें अंडर में, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में, यही जो है फाउंडर भी थे मगध जो है मॉडर्न डायनेस्टी के, फाउंडर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी के जो है यही फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के जो है उसमें एम्पायर में एम्बेसडर बन के आए थे, कौन, वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक के जो है ये एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, इंडिया के बारे में जो है पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सोशल कल्चर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सारी चीजें जो है बताई गई है, ठीक है, इंडिका विच वॉज रिटन बाई मेगास्थनीज। इसके अलावा कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, इन्हीं कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से, वही चाणक्य और कौटिल्य एक ही है, उन्होंने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र इकोनॉमी के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उससे जो है हम लोग को बहुत सारी चीजें पता चलती हैं मॉडर्न एम्पायर के बारे में। दूसरा नेक्स्ट क्या है, बुद्धिस्ट जैन एंड पुरानिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट जैन और पुरानिक लिटरेचर जितने हैं उस टाइम के, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट लिटरेचर से हम लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मिलती है, उसी टाइम के जो पुरानिक लिटरेचर हैं वो भी हम लोग को बताते हैं सोसाइटी के बारे में, किंगडम के बारे में, किंग्स के बारे में, अलग अलग इन्फॉर्मेशन। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका प्रोक्लेम्ड इन धम्मा, धम्मा जो है नया इन्होंने धर्म स्टार्ट करना चाह रहे थे अशोका, तो है उसका नाम धम्मा रखा था, इसमें क्या क्या था अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये इंस्क्रिप्शन उन्होंने प्रोक्लेम कराए थे, इंस्क्रिप्शन ऑन द इंग्रेव्ड ऑन द स्टोन्स, स्टोन्स पे इंग्रेव्ड करा के रखे थे, जो कि अभी भी बहुत सारे हम लोगों को मिलते हैं, तो इससे हम लोग को पता चलता है धम्मा के बारे में। धम्मा क्या था, धम्मा में जो क्या है ये कुछ प्रैक्टिसेस दी हुई थी विच वर मॉरल प्रैक्टिसेस, क्या, दिस शोज टू शोज रेस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर्स, एल्डर्स को जो है रेस्पेक्ट दिखाना, उसको किसी भी तरह की उनको डिसरिस्पेक्ट ना करना, जेनरोसिटी टुवर्ड ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को जो है जेनरोसिटी करना, उनका आदर करना, सम्मान करना, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, मतलब मॉरल वैल्यूज जो है वो धम्मा में थी, उस धम्मा को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने बहुत दूर दूर तक जो है अपने धम्मा मात्र भेजे और इनको धम्मा को स्प्रेड करवाया। चलिए इतना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट बनाते रहिए, उसके बाद जो है मैं अगले फ्रेम पे आता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं एडमिनिस्टर कैसे करते थे ये इतने बड़े एम्पायर को, इतना बड़ा जो है एम्पायर बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, इधर पाकिस्तान में नॉर्थ प्रोविंस से लगा के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इधर उत्तराखंड तक जो है पूरा ये मॉडर्न एम्पायर फैला हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। फाइव मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन एम्पायर, पांच मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स में जो है एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था। कौन थे पांच मेजर पॉलिटिकल सेंटर, पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल ही था, मौर्य एम्पायर का कैपिटल ही था, उसके बाद तोसाली, उज्जैनी, सुवर्णनगरी और तक्षशिला, इन पांच जो है सेंटर्स में एम्पायर को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था, पांच जगह से जो है इसको एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर किया जाता था। कहां कहां से फैला हुआ था अभी मैंने बताया, फ्रॉम प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट इन पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश और इधर उड़ीसा और उत्तराखंड तक जो है इंडिया में ये फैला हुआ था, बहुत ही बड़ा और संपन्न जो है एम्पायर ये था। उसके बाद मेगास्थनीज जो मेंशन करते हैं कि कैसे करते थे, तो इसमें एक कमिटी थी जिसकी सिक्स सब कमिटीज थी, पहली कमिटी जिसकी सिक्स सब कमिटीज थी, उसमें क्या क्या थी,
पहली जो कि नेवी नेवी की देख रेख करती थी, सेकंड जो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को देखती थी, इतना भी ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन होता था ये, तीसरी जो थी वो रिस्पांस फॉर द फुट सोल्जर्स की देख रेख करने के लिए, ये तीसरी कमेटी थी, चौथी फॉर द हॉर्सेज वर स्मॉल मेजर पार्ट ऑफ देयर आर्मी, पांचवा चैरियट्स के लिए, और लास्ट जो थी वो एलिफेंट्स के लिए। देखिए एलिफेंट्स हॉर्सेस चैरियट्स फुट सोल्जर्स का कितना ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आर्मी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इस टाइम पर, फॉरेन इन्वेजन बहुत ज्यादा होते थे, ये लोग जो है इन्वेजन बहुत सारी स्टेट्स पर किया करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने अंडर में लोग ऑक्यूपाई कर सकें। फिर सेकंड सब कमेटी वाज अरेंजिंग बुलककार्ड, एक और सेकंड सब कमेटी थी वो क्या करती थी, बुलककार्ड अरेंज करती थी, किस लिए बुलककार्ड क्या करते थे, टू कैरी इक्विपमेंट एंड फूड फॉर सोल्जर्स के लिए, फूड और इक्विपमेंट वेपन्स को कैरी करना, जो सोल्जर्स अगर वो जो है इंजर्ड हो जाते थे तो उनको लेके जाना, इस सबके लिए सेकंड सब कमिटी थी। उसके बाद अशोका ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा, और एक जो मेन और था इस एम्पायर को होल्ड रखने का अशोका के अकॉर्डिंग वो क्या था, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धम्मा, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं मॉरल वैल्यूज उसमें थी, उस प्रिंसिपल जो कि बहुत ज्यादा सिंपल थे और यूनिवर्सली हर किसी पर एप्लीकेबल थे, वो ऐसी चीजें थी जिनको कोई भी मना नहीं कर सकता था, यूनिवर्सली एप्लीकेबल चीजें थी वो, तो ये धम्मा भी जो है मेजर रोल प्ले कर रहा, तो इस धम्मा को स्प्रेड करने के लिए धर्म मात जो है वो बनाए थे अशोक ने भेज, और जो है अलग अलग कंट्रीज में उनको सेंड किया था ताकि धम्मा का मैसेज बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग जगह पर स्प्रेड किया जा सके। फिर आप देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों था, ये एम्पायर जो है मॉडर्न एम्पायर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था। 19th and early 20th century archaeologists found the empire that was both challenging and exciting. एक ऐसे empire की खोज हो रही थी जो कि बहुत ज्यादा ही challenging था और बहुत ही ज्यादा exciting था, सिर्फ ना कि इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, कि एक इतना बड़ा empire इतने साल पुराना जिसका administration इतना अच्छा है, सारी facilities इतनी अच्छी हैं, क्या क्या उनकी पॉलिटिकल जो है चीजें थी, क्या क्या उनकी इकोनॉमिकल चीजें थी, कैसे कैसे उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थी और एट द सेम टाइम दे वर आल्सो एक्साइटिंग। मेनी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड अशोका इंस्क्रिप्शन वर डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्पायर, बहुत जो अशोका के जो ये थे इंस्क्रिप्शन थे ये बाकी एम्पायर से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, क्यों, मॉरल वैल्यूज धम्मा यहाँ पर स्प्रेड हो रही थी जिसमें मॉरल वैल्यूज थी कि अच्छे से अच्छा क्या किया जा सके, बहुत सारे इंस बनाए गए थे ट्रेवलर्स के लिए, यहाँ पर पक्षियों के लिए जो है अलग से हॉस्पिटल्स खोले गए थे, फ्री हॉस्पिटल्स थे पुअर्स के लिए यहाँ पर कर सकते थे, तो इससे क्या पता चलता है, ही वॉज मोर हम्बल एंड जेनरस, बहुत ही ज्यादा ये जेनरस भी थे देन अदर रूलर्स, मोर हम्बल एंड यहीं पर हम लोग ऐड कर लेते हैं जेनरस, देन लेटर रूलर हु अडॉप्टेड ग्रैंडियस टाइटल, जो कि अपने बाद में जो इनके रूलर आए उन्होंने बहुत ग्रैंड ग्रैंड टाइटल्स लिए हैं जिनसे ये बहुत ही ज्यादा हम्बल थे, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कि अशोका के जाने के बाद नई फॉर्म ऑफ किंगशिप, अशोका या कह रहे हैं या मौर्य एम्पायर के जाने के बाद एक नई फॉर्म ऑफ किंगशिप आना स्टार्ट हुई, अभी तक हम लोगों ने देखा मौर्य एम्पायर का, यहाँ पे मौर्य एम्पायर एंड होता है और नई फॉर्म ऑफ किंगशिप जो है स्टार्ट होती है, कहां से, चीफ्स एंड साउथ किंग्स इन साउथ, साउथ में जो है साउथ इंडिया में नए किंग्स और नए एम्पायर एमर्ज कर रहे थे, कौन कौन से आइए देखते हैं, न्यू एमर्ज इन डेक्कन, डेक्कन का जो एरिया है एंड फर्दर साउथ, और उसके भी फिर साउथ में जो है नए नए एम्पायर एमर्ज कर रहे थे, इंक्लूडिंग चीफडम्स ऑफ क्या क्या, इसमें सबसे मेन थे चोला चेरा एंड पांड्याज, ये तीन एम्पायर जो थे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे उस टाइम पर आफ्टर द मौर्यन एम्पायर इन सदर्न इंडिया, ठीक, ये किसमें बताया गया है, तमिलक्कम, जो तमिलक्कम एक कंट्री थी जिसमें ये सारे तीनों थे, प्रेजेंट डे इसकी बात करें तो हम लोग ये क्या है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का पार्ट एंड केरला, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और मॉडर्न डे केरला जो है ये तमिलक्कम वही कंट्री का पार्ट है पूरा जिसमें चोला चेरा और पांड्या जो है रूल कर रहे थे उस टाइम पर। उसके अलावा सातवाहनास हु रूल ओवर द सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, सातवाहनास थे जो सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया पर रूल कर रहे थे, कब, सेकेंड सेंचुरी बीसीई से सेकेंड सेंचुरी सीई तक, इनकी जो है ट्रेड या जो है इनकी क्या थी जो इनकी बाउंड्री पर होती है, बाउंड्री की जो है इनकी सीमा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, इनकी टाइडल अगर हम लोग कह रहे हैं कि टाइड्स वगैरह पे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी सी आर्मी, इनकी सी आर्मी जो है बहुत ही ज्यादा इनकी स्ट्रांग थी। उसके बाद शाकास, शाकास क्या थे, दे वर फ्रॉम द सेंट्रल एशियन ओरिजिन, सेंट्रल एशियन ओरिजिन से थे और इन्होंने अपना एस्टैब्लिश कहां पर किया था एम्पायर, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट में जो है इन्होंने किया था, वहीं पर सातवाहनास थे और साउथ में कौन कौन थे, चोला चेरा एंड
पांड्यास आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये ग्रैंडियस टाइटल्स की यहाँ पर बात हो रही है, इन ग्रैंडियस टाइटल में कौन कौन से ऐसे टाइटल्स थे जो अलग अलग किंग्स ने लिए थे, क्या क्या उन्होंने अपने आप को कहा, इसमें क्या है नेक्स्ट, डिवाइन किंग्स, ये अपने आप को डिवाइन बताते थे, एज द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ हेवन, बहुत सारी चीजें अभी हम लोग को इसमें देखने को मिलेंगी। सबसे अच्छी जो इस स्ट्रेटजी को एग्जेम्प्लीफाई किया है वो किसने किया है, बाई द कुशानास, कुशांस ने जो है, कुशांस एक एम्पायर था, कुशान डायनेस्टी थी या कह लीजिए एम्पायर था कुशानास, इन्होंने अपना इस चीज को डिवाइन किंग्स को बहुत अच्छे से एग्जेम्प्लीफाई किया है। कैसे, आइए देखते हैं। इन्होंने पहले देखिए रूल कहां तक था इनका, सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक जो है इनका रूल था। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी जो है इशू करे थे, गोल्ड कॉइन्स भी जो है इन लोगों ने इशू करे हुए थे, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था इंडिया इस टाइम पर। देयर नोशन ऑफ किंगशिप इज बेस्ट नोन इन देयर कॉइन्स और स्कल्पचर, कॉइन्स और स्कल्पचर्स में ही ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है हम लोग को। कॉइन्स में वही मैंने बताया अभी कि गोल्ड कॉइन्स कर रहे थे, स्कल्पचर्स में भी जो है ग्रैंड ग्रैंड मूर्तियां आप भी बनवा रहे थे, स्कल्पचर्स बना रहे थे, कोलोसल स्टैचूज बनवा रहे थे अपने। नेक्स्ट वही क्या है, कोलोसल स्टैचू इंस्टॉल्ड इन द श्राइन एट मठ नियर मथुरा, मठ जो है मथुरा के नियर एक मठ में जो है इनका बहुत बड़ा कोलोसल स्टैचू एक फाइंड हुआ था, और सेम ऐसा ही स्टैचू कहां पर भी, अफगानिस्तान में भी फाइंड हुआ था। इससे हम लोग को पता चलता है कि यहां पर वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल एशिया में भी जो है दोनों जगह पर इन लोग रूल कर रहे थे। दे अडॉप्टेड अ टाइटल एज देवपुत्र, क्या है टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया, देवपुत्र, विच मींस द सन ऑफ गॉड। पॉसिबली ये लोग ये देव टाइटल कहां से इंस्पायर्ड था, बाय द चाइनीज जो अपने आप को क्या कहते थे, सन ऑफ हेवन, ये अपने आप को सन ऑफ हेवन कह रहे थे, और हेवन किसके लिए थे, गॉड था, तो इन्होंने सीधे कहा किया कि वी आर द सन ऑफ गॉड, देवपुत्र जो है इन्होंने अपने आप को कहा। हिस्ट्री की जब हम लोग गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां से भी जो है हम लोग को सेम चीजें देखने को मिलती हैं। हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, यहाँ की लिटरेचर, इनका लिटरेचर बहुत अच्छा था, हरिशेन यहाँ पर थे, ठीक है, और आर्यभट्ट यहाँ पर थे, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स और लिटरेचरिस्ट इनके पास थे जिनसे इनको पता चलता है। कॉइन्स यहाँ पर भी गोल्ड कॉइन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, गुप्ता एम्पायर में भी गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। इनके इंस्क्रिप्शंस अलग अलग किंग्स और बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग्स थे ये, समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त सेकंड हो गए, कुमारगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, ठीक है, श्रीगुप्त हो गए, बहुत ज्यादा पावरफुल किंग्स भी थे। और इसमें इंक्लूडिंग क्या है, प्रशस्तीज, प्रशस्तीज भी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसका एग्जाम्पल क्या है, सच एज प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति विच वॉज रिटन बाई किसने, हरिसेना, हरिसेन ने जो है ये लिखी थी, किसके लिए, फॉर समुद्र गुप्त, समुद्र गुप्त के लिए लिखी थी। समुद्र गुप्त को ही क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी जो है इनको कहते हैं, मोस्ट डिस्प्यूटेड पावरफुल किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में एक और चीज थी यहां पर, क्या थी, समंत, समंत जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते थे, समझ जो है रूलर्स के अंडर में काम करते थे, रूलर्स इनको खूब गिफ्ट वगैरह, लैंड वगैरह ये सारी दिया करते थे। जब ये ज्यादा पावरफुल हो जाते थे तो ये क्या करते थे, कई बार किंग को ही रिमूव करके खुद जो है किंग बन जाते थे। किस टाइम पर, गुप्ता एम्पायर के टाइम पर, अगर किंग अपनी पावर एस्टेब्लिश कर सकता है, रह सकता है, तब तो वो किंग रहता था, वरना ये समंत जो है ये रिप्लेस कर देते थे किंग को और खुद जो है वो किंग बन जाते थे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले साइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप अगला देखते हैं, चेंजिंग कंट्री साइड्स, कंट्री साइड्स में या गांव वगैरह में जो है क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है जो कॉमनर्स के थे या कॉमन पीपल्स के जो थे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी चीजों के बारे में जानने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि किंग्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए या अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो गए, इनके बारे में हम लोग को पता चल जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चल जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी के बारे में हम लोग को सारी थ्योरीज मिल जाती हैं, लेकिन जो है कॉमनर्स की लाइफ में बहुत ज्यादा हम लोग को सर्च करना पड़ता है। जैसे कॉमन पीपल हम लोग हो गए तो हम लोग जो है अपनी डे टू लाइफ, डे टू डे लाइफ को स्टोर करके नहीं रखते हैं, या कोई भी जो है अपनी डे टू लाइफ एक्टिविटीज या जो भी है उनको स्टोर करके नहीं रखता है। तो कॉमन पीपल रेयरली लेफ्ट एनी अकाउंट, कॉमन पीपल के अकाउंट बहुत ही मुश्किल से ढूंढने पर मिलते थे। लेकिन हिस्टोरियंस ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, बाई झटकाज एंड पंचतंत्र। जटकाज में क्या था, जो ओरी ओरल टेल्स जो है गांव वगैरह में चला करती हैं, उसी को जो है रिटेन फॉर्म्स में इंक्लूड किया गया, कंक्लूड किया गया, और दे वर फाइनली कॉल्ड जटकाज। और पंचतंत्र में भी ऐसी ही स्टोरीज हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के क्या क्या नए नए तरीके लाए गए। शिफ्टिंग टू प्लग एग्रीकल्चर इंक्रीज फर्टिलिटी, प्लग का जो है यूज, प्लग का जो यूज है उसने फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। प्लग क्या होता है, फावड़ा जैसे होता है,
आगे लोहे का बना होता है, वैसे ये प्लग जो है वही होता है। इसने प्रोडक्टिविटी को, फर्टिलिटी को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया सॉइल की, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ पैडी क्रॉप्स, पैडी क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी जो है इंक्रीज होने लगा, गंगा वैलीज में पैडी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा। फार्मर्स इन द सेमी एरिड, लेकिन सेमी एरिड रीजन में जैसे अभी पंजाब हो गया, ठीक, राजस्थान हो गया, यहां तक 20th सेंचुरी तक इन लोगों ने प्लग का यूज नहीं किया क्योंकि ये सेमी एरिया था, यहां पर इन लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी। नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में क्या करते थे, हो एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस किया जाता था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और यही जो हो एग्रीकल्चर और टेरेस फार्मिंग होती है पहाड़ों वगैरह पर, वो जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती थी। यूज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन जो है, इरिगेशन बहुत अच्छा हो गया, इरिगेशन से ही जो है एग्रीकल्चर और ज्यादा प्रॉस्परस हुआ और ज्यादा आगे बढ़ा। वेल्स एंड टैंक्स वर यूज फॉर इरिगेशन, और कैनाल जो है बहुत मिनिमम यूज था इनका, बहुत ही कम यूज जो है ट्रेसेस हम लोग को कैनाल्स यूज के मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोशल रूरल सोसाइटीज में क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या अलग अलग ग्रुप्स बने थे, वो ग्रुप्स किस बेसिस पे बने थे, कास्ट के बेसिस पे थे या जो है बिजनेस के बेसिस पे थे, लैंड ओनरशिप के बेसिस पे थे, क्या था। अब जाहिर सी बात है जब यहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इससे जो है सोशल ग्रुप्स भी डिवाइड होंगे, एक जिनके पास अच्छा खासा सरप्लस प्रोडक्शन होगा, दूसरे जो वहां पर काम कर रहे होंगे या लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज होंगे। तो यहीं पर हुआ स्टोरीज स्पेशली बुद्धिस्ट एज रेफर टू द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। अब कुछ के पास जो है कुछ बड़े लैंड होल्डर्स रहे होंगे, ठीक है, कुछ स्मॉल पीजेंट्स रहे होंगे जिनके पास थोड़ी सी लैंड होगी उसी पर करते होंगे, कुछ जो है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स रहे होंगे जो या इनके लिए जो है काम करते होंगे, इनके पास अपनी लैंड नहीं थी, ये सिर्फ अपना लिवलीहुड ऐसे ही अर्न कर रहे थे। टर्म गैपति, गैपति वॉज यूज इन पाली टू डेजिग्नेट सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी, गैपति यूज किया जाता था, और ये जो है हेड ऑफ द फैमिली भी होता था, हेड ऑफ फैमिली भी जो है इसको बोला जाता था। गह मींस घर और घर का हेड ऑफ द फैमिली थी जिसके डिसीजंस जो है सारे फैमिली मेंबर्स मानते थे। उसके बाद अर्ली तमिल लिटरेचर रिफर्स लार्ज लैंड ओनर्स, क्या कहा गया है इनको, वेलालार्स कहा गया है, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे उनको वेलालार्स, प्लग मैन जो होते थे उनको उजावार कहा गया है, एंड स्लेव्स को क्या बोला गया है, आदिमाई। दीज डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन द लैंड लेबर एंड न्यू टेक्नोलॉजी, यही जो लैंड लेबर जो जिस तरीके का काम करते थे, जैसे बड़े लैंड ओनर्स थे तो वो वेलालार्स, प्लग मैन जो थे वो उजावार, एंड स्लेव्स जो थे उनको आदिमाई बोला गया। फिर देखते हैं लैंड ग्रांट्स, अभी मैंने पहले भी बताया था गुप्ता एम्पायर में जो है लैंड ग्रांट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ऐसे कई पावरफुल संबंध हो गए थे जो किंग्स को ही रिप्लेस कर देते थे उनके थ्रोन से और खुद ही जो है किंग बन जाते थे। ये संबंध कैसे बनते थे, इनको किंग्स वगैरह ही लैंड्स जो है ग्रांट किया करते थे जिससे ये और ज्यादा पावरफुल होते रहते थे। क्या देखते हैं, द रिकॉर्ड दैट हैव सर्वाइव आर जनरली अबाउट ग्रांट्स ऑफ लैंड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूट एंड ब्राह्मण, जो अभी तक रिकॉर्ड हम लोग के बचे हैं या रिकॉर्ड मिलते हैं इतने पुराने 2500 पुराने रिकॉर्ड, ये किस तरह इंडिकेट करते हैं कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट जैसे मंदिर वगैरह को जो भी लैंड करी गई थी और ब्राह्मण्स को जो भी लैंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी। और एक स्टोरी ऑफ प्रभावती गुप्त कौन थी, चंद्रगुप्त सेकेंड की जो है डॉटर थी, जिनकी स्टोरी से हम लोग को पता चलता है कि जो है यहाँ पर विमेन्स को भी जो है लैंड एक्वायर करने का एक राइट था कि विमेन्स भी जो है लैंड एक्वायर कर सकती थी, लैंड एक्वायर करने का राइट जो है विमेन्स को भी, ठीक है। प्रभावती गुप्त की स्टोरी से हम लोग को क्या पता चलता है कि विमेन्स को भी जो है राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी का राइट था। कौन थी, चंद्रगुप्त सेकंड की जो है डॉटर थी प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी। इनसे हमको पता चलता है कि विमेन्स को भी राइट टू प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस का राइट था। लेकिन इससे एक ये भी एविडेंस निकाला जा सकता है, चूंकि शी वॉज अ क्वीन और शी वॉज अ प्रिंसेस, तो हो सकता है स्पेशल इनके केस में जो है राइट टू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का इनके पास राइट हो, बाकी विमेन्स के पास प्रॉपर्टी राइट करने इनहेरिटेंस करने का राइट हम लोग को कोई एविडेंस नहीं मिलता है। देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन साइज ऑफ लैंड ग्रांटेड, लैंड जो भी ग्रांट करी जाती थी उसमें रीजनल वेरिएशन रहता था, कहीं पर बड़ी बड़ी लैंड जो है वो ग्रांट करी जाती थी, कहीं पर छोटी छोटी लैंड पार्ट्स ऑफ लैंड साइज ऑफ लैंड जो है ग्रांट किए जाते थे। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट इज एन हीटेड सब्जेक्ट, कि इसका क्या इम्पैक्ट रहता था, इम्पैक्ट कैसा रहता था किंग्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, किंगडम के ऊपर, ये जो है बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट है इसके बीच में हिस्टोरियंस के बीच में। कुछ हिस्टोरियंस का क्या कहना है, लैंड ग्रांट वॉज द स्ट्रेटेजी टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरिया,
कुछ ये मानते हैं कि किंग्स जो है लैंड ग्रांट करते थे तो वो इसलिए करते थे ताकि एग्रीकल्चर को वो एक्सटेंड कर सकें और दूर दूर तक एरियाज में, कि जहां तक लैंड ग्रांट करेंगे वहां तक एग्रीकल्चर फैलेगा, लोग वहां पर और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जिससे जो है कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। कुछ कहते थे दैट इट वाज वीकनिंग द किंग्स पावर, जैसे हम लोगों ने गुप्ता में पढ़ा था अभी गुप्ता एम्पायर में, कि वो लोग समंतास को जो है लैंड बार बार ग्रांट कर रहे थे और जब वो समंतास पावरफुल हो जाते थे तो वो किंग को ही जो है ओवरटेक कर लेते थे। तो ये आर्ग्यू जो दोनों बहुत ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट इनके ऊपर रहता है। देयर वर पीपल्स बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑफिशियल्स, अब ऑफिशियल्स की रीच से बाहर भी बहुत सारे लोग थे जिनकी कोई डिटेल रिकॉर्ड नहीं है। लाइफ एंड ट्रांजैक्शन करना, राइस करना ट्रांजैक्शन का, इसमें कौन से हो गए, हर्डर्स हो गए, नोमैड्स हो गए, ठीक, नोमैडिक पीपल्स हो गए, ये सारे लोग जो थे हंटर एंड गैदरर्स जो थे, इनका जो है कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है हम लोगों को कि इनके पास लैंड थी, लैंड ये लोग इक्वायर करते थे, क्या इनको लैंड वगैरह मिलती थी, इसका हम लोग कोई रिकॉर्ड रिटेन नहीं मिलता है कहीं पर भी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन कैसी थी वहां पर और क्राफ्ट पर्सन कौन कौन थे, क्या क्या क्राफ्ट वहां पे होते थे। अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट हैड बीन डिस्कवर्ड, एज बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट हम लोग को मिले हैं एक्सकेवेशन में खुदाई के दौरान, जैसे फाइन पॉटरी बाउल्स, पॉलिश्ड वेयर, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हम लोगों को मिली हैं बहुत सारी क्वांटिटी में, अलग अलग चीज के बने होते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, हर चीज के मेटल्स जो है मटेरियल्स हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, वी हैव फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस व्हिच मेंशन नेम ऑफ द एक शॉर्ट वोटिव, कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं छोटे छोटे से इंस्क्रिप्शन जिनपे जैसे नेम ऑफ द डोनर एंड सम टाइम्स देयर उनका ऑक्यूपेशन भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग को बहुत सारी जगहों से मिले हैं। दे टेल अस अबाउट पीपल इन सर्टेन टाउन, अब इससे छोटे छोटे जो इंस्क्रिप्शन होते थे या छोटे छोटे जो ये भी शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन होते थे, इनसे लोगों के बारे में पता चलता था, जैसे गोल्डस्मिथ, मर्चेंट, टीचर, ऑफिशियल, किंग्स की कौन कौन से प्रोफेशन वो लोग कर रहे थे, कौन कौन से ऑक्यूपेशन में वो लोग इन्वॉल्व थे, ये सारी चीजें हम लोगों को इनसे पता चलती हैं। गिल्ड्स एंड श्रेणीज, गिल्ड्स क्या होते थे, सेम ऑक्यूपेशन के लोग जो है एक ग्रुप फॉर्म कर लेते थे जिनको उनको गिल्ड या श्रेणी बोला जाता था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट पर्सन आर मेंशन्ड एज वेल, और ये गिल्ड्स और श्रेणीज की बात भी जो है इसमें करी गई है। ठीक है, क्या क्या हो गया, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, रेयरली कैसे हम लोग को जटकास जो कि नॉर्मल पीपल की स्टोरीज, ओरल टेल्स जो है उनको रिटन फॉर्म में किया गया था ताकि कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में हम लोगों को पता चल सके। पंचतंत्र प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया गया, कैसे आयरन और प्लग ने जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पर। उसके बाद डिफरेंस क्या क्या थे सोशल जो है सोसाइटीज में, रूरल सोसाइटीज में ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, ऑक्यूपेशन, कास्ट, हर चीज पे। लैंड ग्रांट्स और न्यू एलाइट्स क्या क्या थे, कैसे कैसे लैंड ग्रांट हुई, समंतास और ज्यादा पावरफुल होते चले गए, और अर्बन में जो है क्राफ्ट पर्सन क्या क्या लोग ऑक्यूपेशन और क्राफ्ट करते थे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। चलिए अब आते हैं ट्रेड पे, ट्रेड देखते हैं कहां कहां से ट्रेड होता था, कैसे कैसे ट्रेड होता था, रोड्स बाय रोड्स होता था, सी होता था, बाय एयर होता था, कैसे ट्रेड्स होते हैं, आइए देखते हैं। ओवरलैंड इन सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड ओवरसीज, सेंट्रल एशिया में क्या था, बाय लैंड ट्रेवल होता था, और ओवरसीज जो है कहां कहां पे होता था, पोर्ट्स एक्सटेंडिंग टू अरेबियन सी, ईस्ट में कहां, अरेबियन सी, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया थ्रू बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक होता था, और बे ऑफ बंगाल से कहां तक होता था, ईस्ट एशिया और चाइना में जो है ट्रेड वगैरह किया जाता था। एक्सपोर्ट से कहां, अरेबियन सी, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, बे ऑफ बंगाल से एशिया और चाइना तक। पीपल मूव बाई फुट और कारवा ऑफ बुलक कार्ड, या तो बाई फुट जो करते थे नॉर्मल पीपल होते थे, कॉमन पीपल्स होते थे, वो बाई फुट करते थे। मर्चेंट्स जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे वो किससे करते थे, कारवा ऑफ बुलक कार्ड, और जब जहां भारी सामान जाना होता था, ज्यादा सामान जाना होता था, वहां पर भी बुलक कार्ड का कारवा ही यूज किया जाता था। ऑल्सो देयर वर सी फेयरर्स थे, वर्क वॉज रिस्क, जिनका वर्क बहुत ज्यादा रिस्की होता था लेकिन उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होता था। मर्चेंट्स एज सातवाहनास इन तमिल, सातवाहना वो नहीं एक मर्चेंट ग्रुप है, सातवाहना तमिल में, और सेठीज एंड सातवाहना ये जो है बहुत ज्यादा आगे चल के रिच और प्रॉस्परस हो जाते हैं। कहां पर थे ये, इन तमिल। क्या क्या ट्रेड होता था ये देखते हैं, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल, फिनिश प्रोडक्ट, और सबसे ज्यादा स्पाइसेस में, और पेपर जो है सबसे ज्यादा स्पेशल डिमांड में होता था रोमन एम्पायर में। रोमन एम्पायर में सबसे ज्यादा डिमांड में पेपर, उसके अलावा फिनिश प्रोडक्ट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मेटल, ग्रेन, क्लॉथ, हर चीज जो है शेयर करी जाती थी, ट्रेड करी जाती थी। टेक्सटाइल, मेडिसिन, प्लांट्स, ये सब कहां करे जाते थे, अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी तक ये सारी चीजें ट्रेड करी जाती थी, टेक्सटाइल, मेडिसिन, प्लांट एंड ऑल्स। फिर कॉइन्स और किंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या क्या कौन कौन से कॉइन्स थे, और कॉइन्स से हम लोग को किंग्स या डायनेस्टी के बारे में क्या पता चलता है, ये पंचमार्क कॉइन, कॉइंटेड
मिंटेड वन मेड अप ऑफ द कॉपर एंड सिल्वर। पंचमार्क कॉइन जो है किसके बने हुए थे, कॉपर और सिल्वर के। सिंबल्स ऑन द कॉइन्स इंक्लूडिंग मॉडर्न डायनेस्टी वाज इशूड बाय द किंग। सबसे पहले इन लोगों ने ट्राई किया था, सबसे पहले नहीं लेकिन इन लोगों ने ट्राई किया था, बहुत सारे किंग्स ने उसी में से जो है मॉडर्न किंग्स थे इन्होंने भी ट्राई किया था कि सिंबल्स अपने कॉइन के ऊपर पब्लिश करने का, ठीक है, इन लोगों ने भी इशू किए थे, जिससे ये पता चलता है कि ये कॉइन्स जो है किंग्स के द्वारा इशू करे गए थे, ये कॉमन करेंसी थी पूरी डायनेस्टी की। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट कॉइन इंक्लूड नेम और इमेज ऑफ द रूलर। सबसे पहले किसने करे थे, इशूड बाई इंडो ग्रीक्स ने करे थे, जो है ये मॉडर्न एम्पायर के बाद ही आया था, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर ने सबसे पहले कॉइन्स में नेम और रूलर की फोटो जो है इंडो ग्रीक्स ने करी थी। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन सबसे पहले इशू किसने करे थे, कुशानास ने जो है गोल्ड कॉइन करे थे फर्स्ट सेंचुरी में। वर आइडेंटिकल टू पार्थियंस रूलर ऑफ ईरान, और ये किससे आइडेंटिकल थे, पार्थियन रूलर थे, जैसे यहाँ पर ये थे कुशानास, वैसे ही पार्थियन यहाँ पर रूलर थे कहाँ, ईरान में। The first gold coin that was issued by the coins were issued by tribes of Yodhas and Punjab. Punjab और Yodhas की tribe से भी जो है ये सारी coins किए गए थे। Yodhas और Punjab और हरियाणा के Yodhas ने भी जो है ये coin issue करे थे। Gold coins were issued by Gupta rulers. Gupta rulers ने भी gold coin issue करे थे। इनसे पहले Greek Kushanas ने जो है गोल्ड कॉइन इशू करे थे, कहां से, वो सेम थे पार्थियन रूलर ऑफ ईरान से। फ्रॉम 6th सेंचुरी ऑनवर्ड ये गोल्ड कॉइन्स जो हैं ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, अब इतना ज्यादा ये यूज नहीं हो रहे थे या इतना ज्यादा फ्लरिश नहीं हो रहे थे। इसके बहुत सारे रीजंस बनाए जाते हैं, सबसे पहला क्या, सम सजेस्ट वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ट्रेड डिक्लाइन, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर से जो ट्रेड था वो अब डिक्लाइन होने लगा था, वहां से ट्रेड इतना ज्यादा नहीं हो रहा था क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, बीच बीच में और सारी डायनेस्टीज आ रही थी, किंग्स आ रहे थे, उनके रूलर्स आ रहे थे, इसी वजह से वहां से जो ट्रेड है वो अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। रादर क्लेम दैट अदर नेटवर्क ऑफ ट्रेड स्टार्टेड एमर्जिंग, और कुछ लोगों को कहना था कि दूसरे ट्रेड जो है अब स्टार्ट एमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे, और जो है यहाँ पर लोगों ने दे स्टार्टेड कलेक्टिंग गोल्ड कॉइन्स, अब जो है गोल्ड कॉइन्स को ये कलेक्ट करके रख रहे थे ना कि उनको स्पेंड कर रहे थे, दे वर होल्डिंग गोल्ड कॉइन्स नाउ। फिर आगे बढ़ते हैं, डेसिफरिंग ब्राह्मी एंड खरुष्टी, खरुष्टी और ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन को लिपि को कैसे जो है डिकोड किया गया। From late 18th century, European scholar aided by Indian pundits worked backward from the contemporary Bengali और देवनागरी से पीछे इन्होंने, अब पीछे करके इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। किसने? European scholar ने किसके साथ मिलके? Indian pundits के साथ मिलके संस्कृत पाली प्राकृत जो है पीछे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और इसको डिकोड करना स्टार्ट किया ब्राह्मी को, और फिर 1938 में जेम्स विंसेप जो है ये डेसिफर कर लेते हैं सबसे पहले ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन को या ब्राह्मी लिपि को, सबसे पहले जो है ये डेसिफर कर लेते हैं। फिर खरुष्टी में क्या होता है, द फाइंड्स ऑफ इंडो ग्रीक कॉइन हैव फैसिलिटेटेड मेथड, जो इंडो ग्रीक के कॉइन यहाँ पर हम लोगों ने देखा सबसे पहले उन्होंने किए थे, इस पर नेम और इमेजेस और रूलर लिखे थे सबसे पहले इन्होंने किए थे, तो इसी से जो है मैटर बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन स्कॉलर ये किसमें थे, ग्रीक और खरुष्टी दोनों में इस पर लिखा हुआ था, ग्रीक जो है यूरोपियंस को समझ में आ रही थी तो वो आसानी से पता लगा सकते थे कि कौन से ग्रीक वर्ड का खरुष्टी में क्या मीनिंग हो रहा है, तो इसको डिकोड करना इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था कि उन्होंने ग्रीक में पढ़ लिया और ग्रीक का वही वर्ड खरुष्टी में जो कैसे लिखा है, इससे ये लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि हाँ खरुष्टी लिपि को इन लोगों ने ऐसे डिकोड किया। फिर देखिए एविडेंसेस फॉर इंस्क्रिप्शन, अशोका के टाइम से उसके बाद से हम लोग देखते आ रहे लगातार इंस्क्रिप्शन से हम लोग को कितनी चीजें मिली। सबसे पहला जो कि पियदसी बिलव टू द बिहोल्ड, देव नाम प्रिय, जो देवनों को जो है बहुत ज्यादा प्रिय हो, ये सब इंस्क्रिप्शन में हम लोग को मिल रहा था, ठीक है, किसके, अशोका के इंस्क्रिप्शन से। आफ्टर एग्जामिनिंग कंटेस्ट, अब यहाँ से जो है सबसे पहले इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उसके बाद उसके कंटेक्स्ट स्टाइल लैंग्वेज इन सब चीजों को एग्जामिन करने के बाद जो है एपिग्राफिस क्या कंडक्ट करते हैं कि हाँ ये सारे जो है एक सेम ही रूलर के या सेम ही टाइम पे उसी डायनेस्टी के रूलर्स ने जो है इनको क्या किया है, लिखवाया है या राइट करवाया है। हिस्टोरियन कॉन्स्टेंटली मेक एफर्ट वेदर इंस्क्रिप्शन आर ट्रू, हमेशा इन लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि क्या वाकई जो इंस्क्रिप्शन में लिखा है वो ट्रू है या उसको बढ़ा चढ़ा के इन द प्रेज ऑफ किंग्स लिखा गया है, ठीक है। पीपल इन सब कॉन्टिनेंट वर नॉट लिटरेट, बहुत बड़ी एक क्वेश्चन ये भी निकल जाता है कि क्या कितनी पॉपुलेशन हम लोग की जो है उस टाइम पर लिटरेट थी, अगर लोग इलिटरेट थे तो उनको ये सारी चीजें कैसे समझ में आ रही थी, क्या सेम ही लैंग्वेज जो है ओडिशा से लगा के आंध्र प्रदेश से नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस तक जो है क्या सेम ही लैंग्वेज जो है सब एक्वायर कर रहे थे, सबको सेम ही लैंग्वेज आ रही थी, ये जो है बैरियर्स थे, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शन को लेके। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है हम लोग का क्या है, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस की क्या लिमिटेशंस थी, ये सब मैंने एक ही लाइन में पॉइंट्स पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, फुल स्टॉप के बाद आप इनको अलग अलग से लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है, इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज और लेटर्स मिसिंग। एक तो इतने ज्यादा पुराने थे 2000 ईयर 2500 ईयर्स, तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन टूट जाते थे, दे ब्रोक अपार्ट, और जो है लेटर्स भी मिसिंग हो जाते थे, जिससे क्या होता था उनकी या तो मीनिंग चेंज हो जाती थी या जिस मीनिंग में ऑथर जो है बताना चाह रहा है हम लोग उस मीनिंग में उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते थे एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, क्योंकि अगर वर्ड में से कुछ भी थोड़ा इधर उधर गायब हो गया तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। नॉट ऑल इंस्क्रिप्शन आर डेसिफर्ड, हजारों लाखों इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन उसमें से क्या सारे डेसिफर हो चुके हैं, सारे डिकोड हो चुके हैं? नहीं, अभी तक सारे जो है हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। हड़प्पन सिविलाइजेशन कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी हम लोगों ने यही देखा था कि उस टाइम की जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए, यही सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी थी। नॉट एवरीथिंग वॉज रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन, जो भी चीजें हो रही थी, जैसे हम लोगों ने झटका भी देखा था अभी प्रीवियस स्लाइड में, उसमें भी क्या था कि जो है झटका हो गया, पंचतंत्र हो गया, इसमें वो स्टोरीज दिखी थी जो कॉमन पीपल की थी, तो वो जो है इन इंस्क्रिप्शन में नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, किंग से रिलेटेड चीजें थी, इकोनॉमिक चीजें थी, पॉलिटिकल चीजें थी, फेमस वॉर्स वगैरह थी, ये सब तो इंस्क्रिप्शन में नोटेड था, लेकिन जो कॉमन चीजें थी, कॉमन लोगों की लाइफ थी, उनके बारे में था, ये कुछ भी इंस्क्रिप्शन में रिटेन नहीं था। इंस्क्रिप्शन में कुछ भी ये बातें नहीं थी जो हम लोग नहीं पता लगा पाए हैं अभी भी इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो बस यहीं पर इतना ही था हमारा चैप्टर किंग्स टाउन्स एंड, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट से देखा महाजनपद 600 BC से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद मॉडर्न डायनेस्टी आती है, मॉडर्न डायनेस्टी के बाद साउथ में अलग अलग किंगडम्स आते हैं, नॉर्थ में अलग शाखा सातवाना, साउथ में चोर चेर पांड्या वो आते हैं, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड देखा क्या क्या ट्रेड हो रहा था, कैसे कैसे इंस्क्रिप्शन हम लोग की हेल्प कर रहे थे, पॉइंट्स एंड किंग्स वगैरह, डेसिफरिंग ब्राह्मी खरोस्ती, अलग अलग स्क्रिप्ट को कैसे डेसिफर किया गया, उसके बाद एविडेंसेस हम लोग को जो इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, एंड फाइनली द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शन। बस इससे ज्यादा आपके चैप्टर में इससे कुछ भी नहीं है, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए और जो है वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। कल हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। कीप वर्किंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।